हेलो मेरे प्यार बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज का हमारा टॉपिक काफी लाजवाब है बच्चों। आज हम हिंदी में पंच लाइट कहानी का सारांश बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। आपको रटना नहीं है, बहुत ज्यादा देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आज के इस वीडियो में हमारी बातों को सुनना है। तो चलिए देख लेते हैं ये जो कहानी है बच्चों, पंच लाइट। पंच लाइट की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये जो पंच लाइट कहानी है किसके द्वारा रचित है, तो ये है फणेश्वर नाथ रेणु के द्वारा। ठीक, इसके यानी रचनाकार कौन है? फणेश्वर नाथ रेणु जी हैं। ठीक, और ये जो पंच लाइट कहानी है बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, और श्योर है एकदम 100% कि भाई ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों, आपके 5 नंबर अगर आपको श्योर करना है तो बहुत ही केयरफुली आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। ठीक बच्चों, यहां पर थोड़ा आपको शायद लाइट दिख रही होगी रसगुल्लो, थोड़ा कोऑपरेट करना क्योंकि अभी भी स्टूडियो में लाइट ठीक ठाक नहीं है। ठीक, खैर उसको इग्नोर मारिए। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों। अब देखिए, इसमें आपको समझने से पहले यानी ये कहानी सिखाने से पहले आपको हम थोड़ा समझा देते हैं बच्चों। ठीक, पहले समझिएगा कि इस कहानी में पात्र कौन कौन से हैं। ठीक भाई, दिखाने का तो हम आपको दिखा देंगे किस तरह से लिखना है, और शब्द सीमा भी आपको याद रखना है कि भाई हाँ इतने शब्दों में लिखना है रसगुल्लों। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं इस कहानी में आपके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, यानी कौन कौन से पात्र हैं। तो पात्र की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले भाई कौन है कहानी का जो हीरो है, वो है गोधन। ठीक है ना, यही कहानी का हीरो है। और उसके बाद हम बात करें तो भाई इसमें है मुनरी। ठीक, और उसके बाद बात करें तो इसमें क्या है, एक है गुलरी काकी। ठीक, गुलरी काकी हैं। कहानी को समझिएगा, देखिए ये रटने वाली चीजें नहीं है, समझने वाली कहानी। जैसे हम अपने नाना नानी से, दादा बाबा से, दादी से सुनते चले आए हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी है बच्चों। सुन गए मतलब अच्छे से एक बार सुन लिए, एकदम मजे में सीख जाओगे। इसके अलावा भाई इसमें क्या है, सरदार जी हैं। ठीक, सरदार जी हैं। ठीक, मुखिया है, यानी बात करें तो पंच के भाई ये जो मुखिया है। उसके अलावा बात करें तो इसमें एक है कनेली। ठीक, कहीं कहीं कनेरी लिखा होता है लेकिन एक कनेली है, यानी जो सबसे अहम रोल है वो यही है। और ये कहानी बच्चों है कहाँ की, बिहार के। ठीक, बिहार के एक ग्रामीण क्षेत्र से है। ठीक, बिहार का कोई एक ग्रामीण क्षेत्र है, और ये बहुत पहले की कहानी है, तब की, जब भी हमारे पास कोई भी मतलब इस तरह से टेक्नोलॉजी नहीं थी आज जैसे आप देख रहे हैं। ठीक, अब देखिए होता क्या है, तो इस गांव का एक लड़का है गोधन। ठीक, एक लड़का गोधन है, और भाई देखिए होता ना, कोई भी मूवी हो एक हीरो होता है, तो यहां पर गोधन क्या है, हीरो है। और हमारे हीरो को एक लड़की से प्यार हो जाता है ना, प्यार में सभी पड़ते हैं, तो भाई इसने भी कोई गलती नहीं की है ना। वो प्यार पड़ पैर किसके प्यार में पड़ गया, मुनरी के। और उसके बाद दोनों ड्यूट के गाने गाने लगे, बढ़िया से घूमने लगे, बढ़िया तरीके से सब अच्छी लाइफ इनकी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि भाई किसी की लव स्टोरी शुरू हो और उसमें विलन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कुछ सीन यहां भी वही चीज हो जाता है, भाई इसको मुनरी से प्यार है। ठीक, ऐसा नहीं कि भाई गोधन अकेले करता, मुनरी भी उससे प्यार करती है, दिल से चाहती है उसको। फिर होता क्या है बच्चों कि भाई देखिए, जाहिर सी बात है, लड़की का घर भाई जब वो लड़का निकलता है तो भाई रास्ते में ही लड़की का घर पड़ता है, तो वहां से वो साइकिल से जब गुजरता है या फिर पैदल गुजरता है, तो भाई गाने गाते हुए निकल लेता है ना कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी, अरे गोरा रंग काला न पड़ जाए। क्योंकि उस समय भाई हिंदी मतलब आज के ये नए गाने नहीं थे, पुराने वाले गाने थे, है ना।
तो ये गाने गाते हुए निकलता है। तो जाहिर सी बात, ये जब गाने गाते हुए निकलता है तो जो मुनरी की माता जी हैं, ये कौन है रसगुल्लो? मुनरी की माता जी है, और उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। भाई कौन चाहेगा कि हाँ हमारी बेटी ऐसे ही घूमे किसी लड़के के साथ, जितना मन कहे घूमे उसके बाद हमारी इज्जत ले ले, कोई नहीं चाहेगा। तो जो मुनरी की माता जी है गुलरी काकी, उनको ये बात बहुत बुरी लगती है। कहते ना अभी तुमको खींच कर मारूंगी, हाँ उल्टा सीधा गाली दे देते हैं, बोल देते हैं। फिर भी जब कहते हैं ना कि जब इनका प्यार परवान चढ़ जाता है, यानी भाई हद से ज्यादा हो गया, तो गुलरी काकी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो गुलरी काकी ने क्या किया बच्चों, ये शिकायत कर देते हैं सरदार जी से, यानी जो गांव के पंच हैं, ठीक पंच के मुखिया हैं, सरदार जी से शिकायत कर देती हैं कि भाई ये जो गोधनवा है हमार बिटिया को क्या करता है, बहुत ही तंग करता है, हमारी बिटिया को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, इसका हुक्का पानी बंद करवा दो साहेब, ये गांव से इसका बहिष्कार कर दो। तो ये भाई सरपंच को भी गुस्सा आ जाता है, यानी सरदार जी को, कि भाई हमारे गांव में रहकर हमारे गांव की बहन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है ना, वहां थोड़ी देखेंगे कि दोनों प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों गाने गाते हैं, नहीं कोई नहीं देखेगा। तो ये क्या करते हैं, ये गोधनवा को क्या करते हैं बच्चों, ये जो सरदार जी हैं इनको कहते हैं तुम भाई का है, अब हम तुम्हारा बहिष्कार कर देते हैं, ठीक तुम क्या करो, तुम भाई गांव में अब नहीं रह सकते हो, तुम अब गांव से बाहर जाओ, और जो भी दंड या सजा के तौर पर कुछ होता है कि एक को एक महीने दो महीने जो कुछ भी है हुक्का पानी बंद हो जाता है, यानी गांव के साथ कोई तालमेल नहीं होता, ये गोधन का बहिष्कार कर देते हैं भाई, इसे गांव से बाहर कर दिया जाता है। ठीक फिर होता क्या है भाई, फिर उसके बाद देखिए ये कहानी ऐसे चल रही थी, फिर होता है एक दिन गांव में रामनवमी का मेला लगा था। रामनवमी के मेले में बच्चों होता क्या है कि गांव के जो सभी लोग हैं, गांव के सभी लोग हैं वो एक पंच लाइट, बोले तो लालटेन जिसको अपन बोलते हैं वही चीज, ठीक एक प्रकार का लालटेन ही है, तो लालटेन को ये गांव के लोग, यानी गांव के जो लोग हैं ठीक है ना, वो क्या करते हैं खरीद कर लाते हैं। ठीक रामनवमी का मेला लगा होता है, खरीद कर लाते हैं, उसके बाद ये प्रोग्राम होता है कि रात में किसी के घर कोई भी आज चिराग नहीं जलेगा, सिर्फ सिर्फ पंच लाइट जलेगी, और उसी के उजाले में सब लोग कीर्तन भजन करेंगे, गाने गाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, अच्छा प्रोग्राम होगा, और सब लोग उत्सुक थे कि चलो भाई अब ये होगा प्रोग्राम। लेकिन बात जब आती है लालटेन खरीद लाते हैं, उससे 10 रुपए बचते हैं, उससे क्या है, सरदार जी बोलते हैं अपनी पत्नी को कि भाई इससे जाओ पूजा की सामग्री खरीद लो, उसकी व्यवस्था भी हो जाती है। फिर जब बात आती है बात जलाने की भाई, कि पंच लाइट को अब जलाया जाए, तो भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं, यार खरीद तो लिया जलाएंगे कैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, गाँव के लोग भोले भाले होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि जलाना कैसे है। तो अब यहाँ पर क्या है, उनके मान सम्मान की बात भी थी, और जो और भाई होते ना कि आसपास के जो समाज वाले थे उन पर हंसने लगे, दूसरे टोली के लोग थे मजाक बनाने लगे, वो बोलने लगे कि 10 बार उठक बैठक करो जल जाएगी अपने आप। तो ये भाई घूंट कहते ना, बेइज्जती का घूंट पी करके रह जाते हैं। फिर यहीं पर अब मौका होता है मुनरी के पास, क्योंकि उसका जो हीरो है वो तो गाँव से बाहर है, अब इसके पास मौका हो जाता है, तो ये क्या करती है, अब ये दिमाग लगाती है, ये मुनरी जो है बच्चों वो जाती है कनेरी के पास, ठीक बैठी रहती है कोई, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कोई भी लड़की अगर किसी लड़के से प्यार करती है ना, वो भी संस्कारी वाली है ना, तो डायरेक्टली उनका नाम नहीं लेती है, डायरेक्टली उससे कहती है, किसी से कहेगी नहीं कि भाई हाँ मैं जिससे प्यार करती हूँ वो जलाना जानता है। ठीक तो ये कनेली के कान में जाकर के कहती है कि सुनती हो जो मेरे वो है ना, अरे कौन है, अरे मेरे वही नहीं समझे का, तो बोलते हैं अरे कौन वही, अरे मेरे वो मतलब गोधन है ना, इनकी बात हो रही है, वो क्या है लालटेन जलाना, यानी इस पंचलाइट को या पंचलाइट इसी को कहते हैं, इसको जलाना जानते हैं। अब कनेरी कहती है भाई उसका तो हुक्का पानी बंद है, वो कहां से आएगा, तो कहती है अरे तुम जाओ तो सही। ये कनेरी क्या करती है बच्चों, सरदार के पास जाती है और कहती है कि सरदार जी जो गोधन है ना वो पंचलाइट जलाना जानता है। तो वो क्या करते हैं, सोच में पड़ जाते हैं यार उसको बुलाएं कि ना बुलाएं, लेकिन बात थी आत्मसम्मान की। तो फाइनली क्या हो जाते हैं, सरदार जी यानी पंच भी तैयार हो जाते हैं, अरे बुलाओ यार जला देते हैं। फिर आता है वो बच्चों क्या करता है कि भाई पंच लाइट को यानी तेल उसमें डालकर, गरी का तेल डालकर के जला देता है,
और खुशी का माहौल हो जाता है। और जो गुलरी काकी हैं, अभी इनके दिल में जो भी भड़ास थी, जो भी गुस्सा था गोधन के प्रति, निकल जाता है, ठीक है ना। और ये भी क्या करते हैं, जिस गोधनवा से क्या करती थी ये नफरत करती थी, उसको कहते हैं तुम शाम के खाने पर हमारे घर आ जाना, है ना, कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है और इसीलिए अम्मा ने तुम्हारी हमें चाय पे बुलाया है। वो मैटर हो जाता है, रात को खाने पर बुलाती है। और पंच जी भी खुशी होकर कहते हैं कि जाओ खूब नाचो गाओ, यानी तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना, ठीक। ये मैटर होता है, फिर सब खुशियां मनाने लगते हैं। कुछ ऐसी कहानी है बच्चों, चलिए अब देखते हैं। अब हम जरूर ये दावे के साथ कहेंगे रसगुल्लों आप सीख चुके हैं। चलिए अब आते हैं फटाक से, लिखेंगे क्या, ठीक वो समझ लेते हैं। देखिए लिखना क्या है बच्चों, ठीक चलिए देख लेते हैं। आप मेन स्क्रीन पर आइए, मेन पेज पर, ठीक है ना, ये तो हमने बता दिया। अब देखिए कहानी क्या है, अब आपको थोड़ा पढ़कर समझा देते हैं, ऐसे ही लिखना है, ठीक। स्क्रीनशॉट का भी मौका देंगे क्योंकि बहुत ज्यादा 80 से 100 शब्द में निपटाना है। लिखेंगे कि पंच लाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। यानी ये जो कहानी है, हमने पहले ही बताया बच्चों, बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की है, ठीक। अब यहां से एक मिनट, वे कहां चले गए, हाँ तो यहां पर देखिए होता क्या है बच्चों, देखिए इसमें होता क्या है, लिखेंगे। ये तो हमने बता दिया कि इसका क्या है, अब लिखना है कि इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है, ठीक। एक लड़का है जो गांव की मुनरी नाम की एक लड़की से क्या करता है, प्रेम करता है। हमने वही तो बताया कि भाई एक गोधन है, वो क्या करता है, मुनरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है। अब बाबू आगे क्या लिखना है वो देखते हैं। आगे है कि मुनरी की मां ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए निकलता है ना, कि भाई चलती हो क्या 9 से 12, या फिर कहते हैं ना कि धूप में निकला ना करो रूप की रानी। अब ऐसा तो गाएगा नहीं कि सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, उस समय का ये गाना नहीं था, है ना। फिर आगे लिखेंगे बच्चों, ये शिकायत है कि भाई वो मेरे घर के गाने सामने से गाना गाते हुए निकलता है। इस कारण से क्या है, गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से क्या किया था, निकाल रखा है, ठीक। आगे लिखेंगे, एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं और जो पैसे बचते हैं बच्चों उससे पूजा पाठ की सामग्री ले गए, ठीक। सभी लोग पंच लाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्साहित थे। भाई जाहिर सी बात, हमारे गांव में कोई नई चीज आए और सामूहिक वाली, तो हमें खुशी होगी देखने के लिए। वो चीज है इनके अंदर, वो एक लालसा थी, ठीक। अब आगे होता क्या है बच्चों, देखिए आगे लिखेंगे, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन, खरीद तो लाते हैं लेकिन पता नहीं कि जलाएगा कौन। आगे लिखेंगे बच्चों यहाँ की, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे, ठीक। सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। आगे लिखना है कि मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जलाना जानता है और वह क्या करती है रसगुल्लों, चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से यह बात क्या करती है, पंच तक पहुंचा देती है। मतलब बड़ी चतुराई के साथ अपनी बात को पंच तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो भी चाहती है ना कि भाई मेरा आशिक बाहर है, गांव में शामिल हो जाए हमारे साथ, ठीक। तो इसके बाद आगे लिखना कि भाई पंच गोधन को क्या करते हैं, पुनः बिरादरी में शामिल कर लेते हैं और पंच लाइट, और मतलब वह पंच लाइट को क्या कर देता है, जला देता है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों की, मुनरी की जो माँ है वो गुलरी काकी, यानी मुनरी की जो माँ गुलरी काकी है, प्रसन्न होकर के गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती हैं, यानी शाम के खाने पर उसे बुलाती हैं कि भाई चलिए, उससे गलती हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हमारी बेटी को चाहने वाला इतना दिमागदार हो सकता है ना। चलिए बच्चों आगे लिखेंगे क्या, बच्चों आगे लिखेंगे कि पंच भी, आगे लिखना है कि पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं ध्यान से समझिएगा, बोलते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ,
खूब गाओ सलीमा का गाना। सलीमा ये एक कहते ना ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा है, सिनेमा को सलीमा कहते। आज भी देखो जो दादी नानी होंगी ना वो सलीमा वगैरह ही बोलते हैं बहुत लोग। तो फिर क्या है वो कहते हैं कि तुम्हारा साथ खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। फिर आगे लिखना है बच्चों, लिखेंगे हम कि पंच लाइट की रोशनी में लोग कीर्तन व भजन करते हैं तथा क्या करते हैं उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार की ये कहानी है, बहुत ही सुंदर सी कहानी है। इसमें कहने का मतलब गांव के सीधे साधे यानी भोले भाले लोगों का, वहां के रहन सहन का, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक उनकी खुशियां क्या, उसका बहुत ही सजीव या सुंदर चित्रण किया गया, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। एक ग्रामीण आंचल, आंचलिक का मतलब ही होता है एक ग्रामीण क्षेत्रीय, ठीक मतलब एक क्षेत्रीय एरिया होता है, ठीक है ना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।